औरैया के पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामपुरा उमेरन में दो बच्चों को टीचर ने बेरहमी से पीटा। क्लास 6 के छात्रों ने बताया कि प्रार्थना के समय जब दोनों छात्र आपस में बात कर रहे थे तभी टीचर ने उनको देख लिया, दोनों की पिटाई कर दी। वहीं छात्रों के परिजनों का कहना है कि इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को भी दी गई है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो बच्चों को पीटने का यह मामला जहां पर शिक्षक ने छात्र को जमकर पीटा, तस्वीर आप देख सकते हैं, निशान है ये पिटाई के, जिसके बाद परिजनों ने शिक्षक की शिकायत की है लेकिन अभी तक उस शिकायत का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। नाम बेटा तुम्हारा? देवर से। कहाँ के रहने वाले हो? रामपुरा। हाँ। क्या है, किसने मारपीट की तुम्हारे साथ? राम कुमार सर। स्कूल में? क्यों, किस वजह से पिटाई हुई? सर, एक हमारे ओम जी थे और हम थे, हम दोनों बातचीत कर रहे थे, एक लड़का मारने आया, उसने कहा तुम इसको तेज मारो, मैंने कहा क्यों मारेंगे, और किसी ने कह दी सर जैसे ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं। सर ने मारा है, हम परिवार में हमारे दोनों जनन की बातें होने लगी, सर ने देख लिया है और डंडे मंगाए दो तीन हैं पर और आगे खजूर के डंडे तो बहुत मारा और यन पर लगी और उंगरिया उतर गई। लड़के थोड़ा मुझसे तो जैसे बच्चे ने बताया वैसे ही मैं बोल रहा हूँ ना कि थोड़ा बच्चे से पूछताछ का कुछ चल रहा होगा, मास्टर साहब ने कुछ पूछा होगा, बच्चे आपस में बात कर रहे थे, एक कह रहा था थोड़ा जोर से मारा, दूसरा हमारे बच्चे ने कह दिया कि क्यों जैसे मार रहा वैसे मार रहा, उसको पीटना तो जैसे पीट रहा सजा देना। तो इस पर मास्टर साहब ने दो लड़कों की ऐसे पिटाई की, एक की उंगली उतरी है और टूटी है और मेरे बच्चे के आपने देख लिया होगा जैसा उसका हाल है। आपके बच्चे कहाँ है? आपके या नीचे जांग में है और ऊपर पुट्ठे पे भी है।